प्रिया के वायरल गीत पर FIR दर्ज। एक ट्रक प्रिया प्रकाश का गाना इतना लोकप्रिय हो गया है कि लोग सोशल मीडिया पर इसका हिंदी वर्जन बनाने में लग गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस गाने को लेकर हैदराबाद यूथ नाम के मुस्लिम युवकों के एक समूह ने FIR दर्ज करा दी है। हैदराबाद के फलुकनुमा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि इस गाने में प्रिया प्रकाश के चेहरे की भाव मुसलमानों की भावनाओं को आगत करते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस गाने को जिस तरह फिल्माया गया है वह आपंतिक है, क्योंकि गीत के बोल पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़े हुए हैं। विवाद के बाद ओमर लुलू की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि यह गाना इस्लामिक विरोधी नहीं है, बल्कि यह मोहम्मद साहब की तारीफ करता है। ओमर लुलू ने कहा कि यह रोमांटिक गाना नहीं है, बल्कि एक पारंपरिक मुस्लिम गाना है। यह कुछ अवसरों पर गाया जाता है। वीडियो के कुछ सीनों के कारण यह रोमांटिक जैसा दिख रहा है। मैं साफ कर दूं कि यह गाना किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है। इसमें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। यह बहुत ही पुराना गाना है जिसे सभी समुदाय द्वारा गाया जाता है। वहीं इस गाने पर शुरू हुए विवाद में सफाई देते हुए प्रिया प्रकाश ने कहा, इस गाने को देश विदेश में खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध भी किया है। उन्हें लगता है यह गाना मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के बारे में है और इसमें इस्लाम का अपमान है, लेकिन ऐसा मानने वाले लोग केवल मुट्ठी भर हैं। मुझे लगता है कि अब यह गाना अब ज्यादा लोगों के पास पहुंच गया है। आपको बता दें, मड़िका मालियाना का मतलब फूल होता है जो बेहद कीमती होता है। यह गाना धार्मिक आयोजनों में गाया जाता है। ये गीत मोहम्मद और उनकी पत्नी के प्रेम की कहानी के बारे में है। यही वजह है इस गाने को मोहम्मद का अपमान बताया जा रहा है। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट।